आज ठंड का मौसम है तो मेरा मन किया कि आज मैं हॉट हॉट नूडल्स बनाऊं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ नूडल्स बनाना। आप देखिए, ये ली मैं थोड़ी सी ऑयल, इसको मैंने फैला दिया। इस नूडल्स को मैंने खाने में दिक्कत ना हो इसको ध्यान में रखते हुए दो भाग में डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको स्टीम करूंगी, मतलब उबालूंगी। वीडियो को पूरा देखें। अब मैं इसको उबलने देती हूँ और तब तक टमाटर और प्याज कट कर लेती हूँ। नूडल्स पक चुका है तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। टमाटर प्याज कट कर लिया है मैंने, एक हरी मिर्च लिया हुआ है और ये पनीर ली हुई है। ऑलिव ऑयल डालेंगे एक चम्मच। ये डालेंगे हरी मिर्च, प्याज, और टमाटर साथ में ही डाल देंगे। फ्राई करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है कि अलग अलग फ्राई करें, साथ में ही डाल देंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा नमक डालूंगी, सिर्फ नमक डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी, थोड़ा नमक। बस थोड़ा सा एक मिनट तक रख सकते हैं, मैं हल्का पका करके इसमें पनीर डालूंगी। इसको बहुत ज्यादा हमें नहीं पकाना है। अभी मैं डालूंगी पनीर। पनीर के थोड़े बड़े टुकड़े कट गए हैं, आप चाहें तो थोड़ा छोटा काट ले। पनीर के थोड़े बड़े टुकड़े कट गए हैं, आप चाहें तो थोड़ा छोटा छोटा कट कर ले। थोड़ा देर में इस पनीर के जो पानी है ना, फ्रेश पनीर है ये, तो ये थोड़ा सूख जाए, बस इसका इंतजार करूंगी। इतनी देर में हमारे इसी पानी में टमाटर प्याज भी पक जाएगा, इसीलिए मैंने ज्यादा ऑयल यूज नहीं किया। अब मैं यहाँ लूंगी बहुत ही कम। अब मैं यहाँ डालूंगी हॉट एंड सावर सूप। जितना नूडल्स बनाना है उसके अंदाज से लिया है मैंने, अगर आपको ज्यादा खाना है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। मैं इसको मिक्स करूंगी नीचे ही। अब मैं इधर डालूंगी नूडल्स। आप इसे और भी सब्जी यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं, शिमला मिर्ची, बंद गोभी नहीं डालना, शिमला मिर्च डाल सकते हैं। अब डालूंगी इसमें मैं ये सूप। बस सूप को थोड़ा सूखने दूंगी, इसमें एब्जॉर्ब करने दूंगी सूप को। ये सारा मैंने डाल दिया। अब ये हमारा हॉट नूडल्स तैयार है। बिना किसी मेहनत के आराम से बनाइए और खाइए। इस ठंड में हमें सब कुछ पक जाता है, सोचने की जरूरत नहीं है। नूडल्स खाए ना खाए, आराम से बनाइए और खाइए। और ये हमारा नूडल्स तैयार। अब मैं इसको सर्व कर दूंगी।